अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन और मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर। जहाँ इतनी ज़्यादा टेंशनें चल रही हैं, परेशानियाँ हैं हर वक्त, और हर बंदा इस पैनिक का शिकार है कि क्या बनेगा कोरोना का, कब ये चीज़ें सॉल्ट आउट होंगी, उस दौरान एक अच्छी न्यूज़ आई है और एक बड़ी न्यूज़ में से कहूँगा आई है। ओमान आरोपी जो DG ऑफ पासपोर्ट्स हैं उनकी तरफ से, क्योंकि मैं आप लोगों से लिंक में हूँ और जितनी भी चीज़ें होती हैं लोग बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते हैं, क्वेश्चंस वगैरह जो भी रिसोर्सेज होते हैं उसके थ्रू वो मुझसे पूछते हैं। सो मोस्ट आस्क क्वेश्चन जो था कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला कि यार जो लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं ऑलरेडी, लाइक कुछ फैमिलीज़ हैं, कुछ जॉब पे आए हुए थे, कुछ शॉर्ट टर्म वीज़ा पे आए हुए थे, कुछ विजिट वीज़ा पे आए हुए थे, कुछ जो है अपना टूरिज़म वाला जो वीज़ा होता है इनका एक्सप्रेस एंट्री उस पर आए हुए थे, अब वीज़ा एक्सपायर हो गए थे, कुछ लोगों की फ़्लाइट बुक थी, फ़्लाइट्स भी आगे पीछे हो गई थी, तो वो लोग बड़े परेशान और इस तरह का शिकार थे कि यार अब हमारा क्या बनेगा, मतलब क्योंकि पर डे यहाँ तो फ़ाइन होते हैं, आपको पता है अगर आप वीज़ा एक्सपायर हो गया तो पर डे आपको वो आरोपी फ़ाइन चार्ज करती है जितना भी आप ओवर स्टे करते हैं। तो इन तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ आज आ गई है DG ऑफ पासपोर्ट की तरफ से, और उन्होंने ये मेक श्योर कर दिया कि जितने भी वो लोग जो इस वक्त सल्तनत में मौजूद हैं और जिनके वीज़ा एक्सपायर हो गए उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आरओपी उनको DG पासपोर्ट जो हैं वो उनको एक्सटेंड कर रहे हैं, उनको मतलब एक स्पेशल बिकॉज ऑफ दिस COVID-19 कोरोना वायरस की वजह से एक स्पेशल प्रिविलेज दी जा रही है कि उनकी जो टाइमलाइन है वो जब तक ये सेटल डाउन नहीं हो जाता मामला तब तक उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये मामला सेटल डाउन हो जाएगा उसके बाद उनको एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा, उसमें वो लोग एग्ज़िट कर पाएंगे। सो आप जितने भी लोग अपनी फैमिलीज़ की वजह से, अपनी खुद जो आए हुए थे लोग जॉब के सिलसिले में या किसी घूमने फिरने के सिलसिले में, उन्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये मैं इसे कहूँगा एक शफकत भरा हाथ है, एक समझ लें कि सल्तनत के जो बादशाह हैं और जो DG पासपोर्ट्स हैं, जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनका, सो हम उनके शुक्रगुजार हैं तमाम लोग, और अल्लाह ताला उनका हामी व नासिर हो और उन्हें इसी तरह मतलब ये एक बेहतरीन फ़ैसला है आवाम के हक में, एक बेहतरीन फ़ैसला है। वरना तो देखें फोर्स मेजोर है ना, वो अगर नहीं चाहते तो नहीं भी कर सकते थे, लेकिन वो अपनी रियाया का ख्याल रखते हैं, अपने रहने मुल्क में रहने वाले लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं, और इनफैक्ट जो एक्सपेक्ट्स आए हुए हैं बाहर से उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, और उसी ख्याल के पेश नज़र उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता तो आपका अगर वीज़ा एक्सपायर हो गया है, वो कोई भी वीज़ा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब ये मामला हल हो जाएगा, जब ये ऊँट किसी करवट बैठ जाएगा, उसके बाद इंशाल्लाह आपको एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा, आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग सेटिंग्स और फ़्लाइट्स वगैरह होंगी उसके मुताबिक आपको फिर एग्ज़िट दे दी जाएगी। सो थैंक यू सो मच, जज़ाकुमुल्लाह खैर।